How are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूजा के लिए बाटी कैसे बनाई जाती है वो शेयर करने वाली हूँ. बहुत आसान है इसे बनाना. तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये पूजा के लिए बाटी कैसे बनाई जाती है. आज का वीडियो बहुत सिंपल वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि पूजा के लिए हम बाटी जो है वो घर पर कैसे बना सकते हैं. वैसे तो बाजार में बहुत आसानी से अवेलेबल है पूजा की बाटी, लेकिन अगर हम घर पर बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है और हम बल्क में बना सकते हैं और बहुत जल्द भी बन जाती है. तो इसके लिए चीजें भी बहुत ही कम जरूरत होती है और जिन चीजों की जरूरत होती है मैं आपको ये बता देती हूँ. हमें बाटी बनाने के लिए कॉटन की जरूरत होगी, थोड़ा सा हमने पानी लिया है, थोड़ा दूध लिया है, थोड़ा सा चंदन पाउडर लिया है और थोड़ी सी हल्दी ली है. तो चलिए अभी हम बाटी बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लंबी बाटी बनाएंगे जो कि हम दिवाली में अक्सर यूज करते हैं. रूटीन में ये थोड़ी कम होती है यूज, दिवाली में बहुत ज्यादा यूज होती है. तो चलिए अभी हम पहले देख लेते हैं कि लंबी बाटी कैसे बनाई जाती है. तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कॉटन चाहिए होगी और इस तरीके से जितनी हमें लंबी बाटी बनानी है उतना हमें लंबा कॉटन लेना है. और यहाँ पर पानी का ही यूज करेंगे और थोड़ा सा पानी हम हाथ के ऊपर लगाएंगे और कॉटन को रखकर इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे. हाथ में इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, इस तरीके से हाथ में फोल्ड करना है और ये हमारी बाटी जो है वो तैयार हो जाएगी. ये देखिए, ये बहुत आसानी से हमारी बाटी तैयार हो जाएगी. इसी तरीके से बहुत ही जल्दी ये बाटी तैयार हो जाती है और पानी का यूज करके हम इसको फोल्ड करेंगे. जितनी लंबी आपको बाटी बनानी है उतना लंबा कॉटन लेना है और साथ में पानी का हथेली के ऊपर थोड़ा पानी लगाकर इसको फोल्ड करना है इस तरीके से. और फोल्ड करेंगे तो ये हमारी बाटी जो है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी. तो ये देखिए, बहुत ही जल्दी हमारी बाटी तैयार हो जाती है. तो अभी हम गोल बाटी तैयार करना सीखेंगे. तो उसके लिए हमें दूध लेना है, पानी को हटा देंगे. अभी हम राउंड वाली बाटी सीखेंगे और जितनी हमें बड़ी बाटी बनानी है उस हिसाब से हम कॉटन लेंगे. ये हमने थोड़ी सी कॉटन ली है और इसको हम एक साइड से इस तरीके से थोड़ा बाहर निकालेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी बाहर निकालेंगे. तो ये हमने दोनों साइड से बाहर निकाल दी है कॉटन को और सेंटर में से हम अंदर की तरफ कॉटन को फोल्ड करेंगे. और अभी हम हल्का सा दूध का हाथ लगाते हुए ये दोनों सिरों को हम मिलाएंगे और दोनों सिरों को मिलाते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे. ये हमने फोल्ड कर दिया है और ये हमारी बाटी जो है वो रेडी हो गई है. बहुत ही अच्छी हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है. ये देखिए, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी बाटी बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही जल्दी हमारी बाटी तैयार हो जाती है. इस तरीके से आपको जितनी बड़ी बाटी बनानी है उस हिसाब से कॉटन लेते हुए आपको दोनों साइड से हल्का सा दूध का हाथ लगाते हुए हल्का सा फोल्ड करना है. ज्यादा नहीं फोल्ड करना, हल्का सा बाहर निकाल के फोल्ड करेंगे. दोनों साइड से हल्का सा फोल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं करना. और ये फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर में से कॉटन को अंदर करना है. दोनों साइड से हम कॉटन को अंदर करेंगे और ये दोनों सिरों को हम मिलाते हुए हल्का सा और दूध का हाथ करते हुए इसको फोल्ड करेंगे. इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो. और ये हमारी
बाती जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही जल्दी हमारी बाती तैयार हो जाती है। ये देखिए, घर पर इसे बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी पेंसिल को यूज करते हुए, और उसके लिए हमें इस तरीके से गोल कॉटन लेनी है। गोल कर लेंगे कॉटन को और सेंटर में पेंसिल रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया और यहां से पकड़ते हुए हम पेंसिल को निकाल लेंगे और जो ओपन एरिया है वहां पर हम हल्का सा दूध का हाथ लगाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो ये भी तरीका है एक बाती बनाने का, जिससे बहुत जल्दी बन जाती है हमारी बाती। तो ये देखिए, अगर आपको कलर्ड बाती बनानी है तो उसके लिए हम चंदन पाउडर यूज करेंगे और हल्का सा इसमें हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और साथ में हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी चंदन की पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमने चंदन के अंदर हल्दी और थोड़ा सा दूध डालकर एक पेस्ट तैयार की है। अभी हम इसको यूज करके बाती बनाएंगे, और ये दोनों तरीके से आपको मैं बाती बनाना सिखा दूंगी। ये चंदन की पेस्ट में से थोड़ा सा हाथ को लगाते हुए हमें इस तरीके से बाहर की तरफ लेंगे कॉटन को। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हम बाहर की तरफ खींचेंगे और हल्का सा फोल्ड करेंगे, और सेंटर में से हम दोनों कॉटन को अंदर लेते हुए दोनों सिरों को हम मिला देंगे। तो ये हमने चंदन को यूज करके बाती तैयार कर ली है, और इसे जब जलाएंगे तो चंदन की महक भी आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने 5 मिनट के अंदर कितनी सारी बातियां तैयार कर ली हैं। ये 3 तरीके की हमने बातियां तैयार की है। ये लंबी वाली है, और ये सिंपल है, और ये चंदन वाली कलर्ड बाती तैयार की है। तो डेली यूज में आती है हमारी ये बातियां, तो हमें काफी महंगी पड़ती है अगर बाजार से लेते हैं तो, और ये घर पर बहुत आसानी से बन जाती है। तो आप कॉटन लेकर इस तरीके से बाती तैयार करके किसी भी डब्बे में भर के डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। आप जरूर इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।